तो हमको वापस जनता के बीच जाना पड़ेगा और वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम लोगों को क्या रणनीति बनानी है, क्या संदेश देना है, कौन संदेश वो देगा, कैसे जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार हम ऊर्जा का संचार दोबारा करेंगे। समय बहुत कम है इसलिए अभी बहुत जल्द हम लोगों को इसका चर्चा करेंगे। मुझे जो भी कुछ कहना है बताना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर उस बात को मैं रखूंगा। समीक्षा की बात हो रही है, ओएसडी जो है सीएम के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत साहब नहीं चाहते थे सरकार बने, उन्होंने कमियां रखी। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा जो मोदी जी के विशेष सलाहकार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है। इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ क्या संगठन चिंता का विषय, क्या संगठन है कि राज बदले का रिवाज नहीं, क्या संगठन के अंदर और टिकटों में नए चेहरों को लाया जाता है तो उसका फायदा क्या। सारी बातें हैं विश्लेषण की हैं, आपने बात आप चेतन करेंगे। मैंने जो कहा था वो मेरे पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा था, आगे मुझे जो कहना है पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि जनता ने हमको विपक्ष बैठने का आदेश दिया है, उसका पूरा सम्मान हम लोग करते हैं। जनता जनार्दन है, उनका निर्णय अंतिम होता है। हम लोगों को विपक्ष बैठने की जिम्मेदारी दी है, हमने पहले भी इसको बखूबी निभाया है, भविष्य में निभाएंगे। जहाँ तक पार्टी का सवाल आपने पूछ रहे थे कि इसमें टिकट और वितरण और कार्यप्रणाली और नेता, वो सब चर्चा का विषय है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म बैठ के हम लोग करें।